Hello and welcome to our channel. I'm Advika. And I'm Angel. And we are the Creative Twins. तो इस बार का व्लॉग होने वाला है हमारे गांव के मेले का व्लॉग। और हमारा गांव यानी तुनाल का एक बहुत औसम विलेज है, तो इसमें चीजें भी औसम होंगी। तो ये फेयर है, मतलब मेला है, जिसको हम बोलते हैं भादो की जातर, क्योंकि ये सितंबर के मंथ में होता है और हिंदी में सितंबर को भादो बोलते हैं। तो ये जो मेला है ये 2 दिन का मेला होता है। एक दिन में देवता की डोली आती है और दूसरे दिन में मेला होता है और फिर देवता की डोली वापस अपने धाम को जाती है। ये जो देवता आएंगे इनका नाम है भदेश्वर और इनको हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं टोपली देवता, क्योंकि इनके सर में एक कैप टाइप की होती है। तो ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा कि कैसी दिखती है इनकी भव्य डोली। सो चलिए वीडियो में मिलते हैं। Without wasting any time, let's start a video. Day 1 of the fair. तो आप आवाज सीटियों की और हल्ले की ढोल की आपको सुनाई दे रही होगी। देवता की गाड़ियां भी उधर दिख रही है आपको, चमकते हुए लाइट्स ये आपको है। देखिए आपको लोग दिख रहे होंगे यहाँ से हल्के फुल्के। देखिए आपको, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है, शाम का टाइम है, इसीलिए अभी ढंग से नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पर देवता की एंट्री होने वाली है। ये यहाँ पर बाज की आ गए हैं ढोल बजाने वाले। ये रास्ते का शुद्धिकरण करते का ख्याल है। ये पंडित जी आ गए यहाँ पर से। बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी। शोर शराबा करते हैं, सीटियां बजाने की आवाज तो आप सुन ही रहे होंगे, ताकि ये अपनी ध्यान मुद्रा में ना जा सके। अभी देवता की डोली नीचे मेन चौक में जा रही है। देवता की डोली को कंधे पे ले रखा है और इधर देवता की डोली को नचा रहे हैं ये लोग। अब कुछ समय के लिए ये ऐसे ही नचाएंगे इस डोली को, ताकि इनका स्वागत हो सके बिल्कुल भव्य ढंग से पूरे गांव के साथ। रात को देवता का आवास इधर ही होगा जहां अभी ले जाया जा रहा है। डे 2। यह है भद्रेश्वर महादेव की डोली और अब इनकी पूजा अर्चना कुछ समय में शुरू होने वाली है। पंडित जी नागझाले से पानी लेकर आएंगे और फिर पूजा अर्चना स्टार्ट हो जाएगी। और ये सामान जो आप देख सकते हैं ये सब देवता की पूजा के सामान है। इधर ये सब सामान है। फिलहाल तो बस इधर 2 ही शॉप्स लगे, लेकिन अभी और शॉप भी लगेगी। अब इधर बाजगी लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना बजाना कर रहे हैं। ये
और अब पूजा की तैयारी करी जा रही है। चलिए अब पूजा भी स्टार्ट हो चुकी है। अब और शॉप्स भी लग रही हैं इधर। आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत भीड़ हो रही है। इतनी भीड़ हो रही है और गर्मी भी बहुत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें भीड़ में खोने वाले हैं। बड़े लोग भी डांस करने लग गए हैं और ये डांस है तांदी डांस, जो कि हमारे रवाई वैली की एक ट्रेडिशनल डांस है। और यहाँ पर जब भी कोई फंक्शन होता है तो सब लोग इस नाच को करते हैं। बच्चे भी देवता की डोली को नचा रहे हैं। जल्दी हो गया था। और ये व्यू है थोड़ा टॉप से। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट सर्कल फॉर्म हो रहा है इस तांदी नृत्य में। सभी लोग यूनिटी से एकजुट होकर इधर प्रेम प्यार से डांस करते हैं और सारे भेदभाव को भूलकर एक साथ रहते हैं।
आशीर्वाद भी ले लिया होगा। आप देख सकते हैं कि इनकी डोली कितनी भव्य है। ये डोली बहुत ब्यूटीफुल सी है और इसमें गोल्ड और मेनली सिल्वर का वर्क बहुत करा गया है। और जो डोली में लकड़ी यूज़ होती है वो देवदार की लकड़ी यूज़ होती है। और डांस देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि कैसे फॉर्मेशन हुई थी सर्कल की, उसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था वो सीन जब वो सर्कल फॉर्म हुआ था। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं हमारे गांव के मेले को और आप इधर ही से देख सकते हैं भीड़ साथ चुकी है। तो चलिए हम भी उनकी भक्ति में लीन होते हैं। देवता अपने धाम में प्रस्थान करने वाले हैं और सभी लोग इन्हें विदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे देवता, आप अगले साल जल्दी आना और हमारे समस्त गांव में और सभी के घरों में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। Bye, hope you enjoyed and meet you soon in our next video.